नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट भैया नेक्स्ट डे क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, मार्केट में क्या होने वाला है, ये कैसे पता करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंट्राडे करना होता है। अब इंट्राडे करना तो होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट डे जो है मार्केट कैसे मूव करेगा। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप मार्केट के पिछले ही दिन, मतलब यदि आपको कल मार्केट को ट्रेड करना है तो आज ही आप अपने सारी चीजें तैयार करके रखोगे, कल मतलब अगले दिन आप 8:30-9 बजे करीब मार्केट में आओगे और उसके बाद जो है आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन आज हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जुलाई की जो क्लासेस है हमारी शुरू होने वाली है गुरुकुल 5th, जिसके लिए आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर से कह रहा हूं, ये 45 डेज का चैलेंज है आपकी लाइफ के लिए, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। रोज रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास होती है। इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, इसमें हम स्टॉक मार्केट की सारी चीजें तो सीखते ही हैं, जैसे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कैश मार्केट क्या होता है, प्राइस एक्शन, फिबोनाची, डिमांड सप्लाई, एलियट वेव, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हेल्थ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, इस प्रकार के भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में सहायता देते हैं। अब देखो लाइफ में कितनी चीजें, 5 ही चीजें, इसके अलावा आप ढूंढ के बताइएगा। यदि आपकी हेल्थ, जो पहली फिंगर में बताता हूं, हेल्थ ठीक है सारी चीजें ठीक है, माइंड ठीक है सारी चीजें ठीक है, इमोशंस ठीक है सारी चीजें ठीक है, फाइनेंस ठीक है सारी चीजें ठीक है, और मेडिटेशन। तो हेल्थ, माइंड, इमोशन, फाइनेंस और मेडिटेशन, ये सारी की सारी चीजें हम इस 45 डेज में सिखाते हैं। रोज रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास होती है। अभी आपको एक ऑफर चल रहा है इसके अंदर, ये लास्ट ऑफर है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 29 तारीख हो गई है, 1 तारीख से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, इसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। 10,000 का ये कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 3999 में मिल रहा है। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है हमारे एप्लीकेशन का भी और परचेस लिंक भी है, आप परचेस कीजिए और 1 जुलाई का वेट कीजिए। 1 जुलाई से ये क्लासेस रात को 9 बजे शुरू हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पर, हमारे नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की कर रहे हैं, अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि कल मार्केट क्या करेगा, कैसे उसको पूरी तैयारी करें, कैसे उसको पता लगाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया लेवल सारे के सारे पहले से कैसे रेडी रखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करना है, लेकिन वो उसी दिन आते हैं, 9:15-9:30 बजे आते हैं और फिर ट्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। यदि आपको इंट्राडे करना है, चाहे स्टॉक के अंदर करना है, चाहे ऑप्शन के अंदर करना है, ऐसे नहीं होता है। आपको एक दिन पहले ही पूरी तैयारी करके रखना पड़ेगा। कौन कौन सी तैयारी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी की पूरी तैयारी बता रहा हूं, आप करिएगा इन तैयारी को और फिर बताइएगा कि आपके जो भी एनालिसिस है उसमें कितनी प्रगति हुई है, मतलब कितनी प्रोग्रेस हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है कि आपको डेटा जो है उसकी स्टडी करना है। कितने प्रकार के डेटा की स्टडी करना है, तो मेनली, वैसे तो बहुत सारी चीजें डेटा स्टडी करने के लिए है, लेकिन मेनली आपको यदि अगले दिन के लिए तैयारी करना है तो 3 प्रकार के डेटा जो है उनकी स्टडी करना है। पहला डेटा क्या है, आपको डाउ जोन्स, मतलब DJI जिसको बोलते हैं, ये जो है अमेरिकन मार्केट, मतलब यूएसए का जो मार्केट होता है, उसका मान लीजिए कि ये निफ्टी 50 या इस प्रकार से आप समझ लीजिए सेंसेक्स है, या तो निफ्टी या सेंसेक्स, इस प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अमेरिकन मार्केट खुलता है रात में, समझिएगा बात को, और अमेरिका जो है अभी सुप्रीम पावर है पूरी दुनिया में, तो अमेरिका में जो भी कुछ होगा उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इंडियन बाजारों पर या दुनिया के और बाजारों पर भी दिखेगा। अब ध्यान से सुनना, जब हमारे यहां दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होते हैं, और जब वो लोग जागते हैं तो हम लोग सो रहे होते हैं। तो रात को इनका मार्केट 7:30-8 बजे खुलता है और रात को 1:30 बजे तक चलता है, तब तक हम सोते रहते हैं। तो अब वहां पर दिन है, कब है, जब हम सो रहे हैं, जब हमारी शाम हो चुकी है, उसके बाद तो हम कुछ करते नहीं है। तो जब हम सो रहे होते हैं तो अमेरिका में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, कहीं कोई उनकी दर बड़ी बैंक की, कोई बड़ी सी उन्होंने डिसीजन ले ली, उनकी कोई ना कोई आय में कमी हो गई, वृद्धि हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत सारी न्यूज आती रहती है। अब दिक्कत क्या होती है कि वहां न्यूज आएगी, असर अगले दिन सुबह यहां पड़ेगा। आप सेटअप बना के गए कब, आप सेटअप बना के गए इधर 3:30-3 बजे, अब यहां अमेरिकन मार्केट में यदि कुछ हो गया तो आपका सेटअप धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है, बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको डाउ जोन्स को चेक करना होता है
हर सुबह जैसे ही आप उठे, आपने अपना फ्रेश हुए, सारा काम कर लिया, 8-8:30 बजे के करीबन में पहली बार आप डाउ जोन्स को देख ले। तो यहां पर लिख देता हूं कि 8 बजे के करीब पहले आप डाउ जोन्स देख ले हर सुबह। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपको पता चलेगा कि अमेरिकन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है, कोई बड़ी वृद्धि तो नहीं हुई है, साइडवेज है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या कर रहा है मार्केट, ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो डे का टाइम फ्रेम लगा के आप एक बार डाउ जोन्स को देख लीजिए कि डाउ जोन्स की जो कैंडल है वो क्या कह रही है, मार्केट को किधर मूव कराने की बात कर रही है। यदि वो अप ट्रेंड में है तो इंडियन मार्केट पर भी ऑलमोस्ट कोशिश यही होगी कि 60-70% बार अप ट्रेंड ही चलेगा। यदि वो डाउन ट्रेंड में तो ये भी डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज। तो पहला डेटा आपको स्टडी करना है डाउ जोन्स को। अब ये दिखता कहां है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फायर्स में या ऐसे एप्लीकेशंस में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भैया दिक्कत तो यही है, अब वो वहां नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, तो आपको वेबसाइट का नाम बताता हूं एक, जहां पर आप इसे देख सकते हैं। आप देखिएगा इसे ट्रेडिंग व्यू नाम की वेबसाइट पर, ये फ्री होती है सभी के लिए। यहां पर पूरा चार्ट नहीं देखना है, सिर्फ आपको DJI लिखना है, DJI है ना, तो DJI का मतलब हो जाएगा डाउ जोन्स। और ये आप इसको चार्ट हमेशा के लिए लगाकर रख लीजिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, और वहां पर हर रोज सुबह 8-8:30 बजे इसको एक बार देख लो। ये पहला डेटा की तैयारी हो गई, आपको पता चल गया कि अमेरिकन मार्केट में क्या हुआ। यदि बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, 1.5%, 2%, 3% मार्केट बढ़ा है यदि, तो मान लीजिए कि हमारा मार्केट भी उछलेगा या बढ़ेगा। यदि वहां पर एक बड़ी गिरावट है या डाउन ट्रेंड चालू हुआ है या कोई भी सिग्नल मिला है, तो यहां पर भी मार्केट वैसा रहने के संकेत मिल सकते हैं। क्या 100% ऐसा ही होगा, नहीं, लेकिन 60-70% बार ऐसा होता है, ये देखा गया है, तो डेटा को इसलिए स्टडी करना चाहिए। तो पहला हो गया कि आपने डाउ जोन्स को जो है सुबह 8 बजे के करीब स्टडी कर लिया, आपको पता चल गया डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डाउ जोन्स मतलब अमेरिकन मार्केट, ये समझ लीजिए सीधी सीधी सी बात। और इसको कहां देखेंगे आप, ट्रेडिंग व्यू नाम की वेबसाइट पर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। दूसरा, आपको इसी टाइम में यही सुबह 8-8:30 बजे के करीब में गिफ्ट निफ्टी। अब ये गिफ्ट निफ्टी क्या है, तो पहले इसका नाम था SGX निफ्टी, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो सिंगापुर में, SGX निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड था, लेकिन अभी इंडिया के गुजरात में ये लिस्टेड हो गया है, इसलिए इसका नाम हो गया है गिफ्ट निफ्टी। अब आप लोगों का होमवर्क है कि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। ये थोड़ा सा होमवर्क आप भी किया करो कि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब ये गिफ्ट निफ्टी का जो है आपको इंडेक्स ये कहां मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा कहां पर, सेम ट्रेडिंग व्यू नाम की जो वेबसाइट है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू नाम की जो वेबसाइट है, यहां पर आप इसका इंडेक्स भी लगा लो, किसका, डाउ जोन्स का भी इंडेक्स लगा के रख लो, और गिफ्ट निफ्टी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री में है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो पहला आपने क्या देख लिया, आपने डाउ जोन्स देख लिया कि रात में उसने क्या किया, सुबह उठकर आपने गिफ्ट निफ्टी देख लिया। अब यह गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग क्या लगेगी ये पहले से आपको बता देगा। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। इंडियन मार्केट की ओपनिंग, सॉरी मैंने यदि अमेरिकन मार्केट बोल दिया तो गलत बोला है, इंडियन मार्केट जो है उसकी ओपनिंग क्या लगेगी, भारतीय बाजारों की जो ओपनिंग है वो क्या लगेगी। और इसमें आप मेनली निफ्टी को देखिए कि निफ्टी की ओपनिंग क्या बता रहा है, कौन, गिफ्ट निफ्टी। यदि गिफ्ट निफ्टी ने बताया है कि इंडियन बाजार जो है आज 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो इसका मतलब 60-70% बार ऐसा ही होगा कि इंडियन बाजार जो है वो 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा। यदि इसने बता दिया कि मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो 60-70% बार ऐसा ही होगा कि SGX जो निफ्टी कहता है या फिर गिफ्ट निफ्टी जो कहता है वैसा ही होता है। तो आपको क्या होगा, 8-8:30 बजे के लगभग ही एक अनुमान लग जाएगा कि आज गैप अप ओपनिंग होने वाली है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, या साइडवेज रहने वाला है मार्केट। तो ये आपको 8-8:30 बजे ही पता चल गया, मतलब खुलते टाइम नहीं पता चलेगा कि अरे यार इतना ऊपर खुल गया और यार इतना नीचे खुल गया, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। तो पहले से ही डेटा को स्टडी कर लिया, पहला डेटा आपने डाउ जोन्स से स्टडी कर लिया, दूसरा आपने गिफ्ट निफ्टी से पता लगा लिया कि आज हमारा निफ्टी कहां खुलने वाला है। क्या अभी मार्केट ओपन हुआ, नहीं, वो तो 9:15 को टोटल ओपन होगा, लेकिन आपको पहले से ही पता चल गया है कि ये कहां ओपन होने वाला है। ठीक है, तीसरा जो आप क्या कर सकते हैं, FII DII क्या कर रहे हैं। FII मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आप ध्यान से सुनिएगा, यदि ये दोनों मिलकर खरीदारी करते हैं, सिंपल सा, बहुत ज्यादा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि ये दोनों मिलकर खरीदारी करके जा रहे हैं आज के दिन, मतलब यदि आपको कल की तैयारी करना है तो इसको तो आपको आज ही देखना है, इन दोनों को तो कल सुबह देखना है जिस दिन आप ट्रेडिंग करेंगे, इसको आपको आज ही देखना है। शाम को इसका डेटा रोज आ जाता है, तो आप 7-8 बजे के करीब शाम को, रोज शाम को इसका डेटा जो देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, वहां पर आप इसका डेटा देख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मनी कंट्रोल, ठीक है,
तो मनी कंट्रोल पर आप इसका डेटा देख सकते हैं कि FII DII ने आज क्या किया। यदि दोनों खरीद कर जा रहे हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कल मार्केट ऊपर जा सकता है। यदि दोनों बेच के जा रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ी है, मार्केट नीचे जा सकता है, ये भी एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो देखिए तीन प्रकार के अनुमान आपने पहले से ही लगा लिए। पहला क्या, अभी मार्केट खुला नहीं है, मार्केट के खुलने से पहले आपने क्या कर लिया, डेटा स्टडी कर ली, डाउ जोन्स पता कर लिया क्या कर रहा है या क्या किया उसने सुबह उठ के, गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे या साइडवेज खुलेगा क्या बता रहा है, और FII DII का डेटा क्या कह रहा है, क्या वो बोल रहा है कि भैया दोनों बेच के गए, क्या दोनों बोल रहे खरीद के गए हैं, तो वहां पर आपको एक अनुमान लग जाएगा। इतनी तैयारी करके आपको क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप पर आना है। सेकेंड स्टेप क्या होगी कि नो द बिग ट्रेंड। अब देखिए डेटा तो बहुत सारी चीजें को मिलाकर बनता है, लेकिन आपको हमेशा बिग टाइम फ्रेम के डेटा को एनालिसिस करना चाहिए या ट्रेंड को एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो चीजें चार्ट पर दिख रही है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं, वो हमेशा सच्चाई बताएंगे, उसके अलावा बाकी सारी चीजें झूठ हो सकती है, ठीक है। अब आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम में, तो बड़ा टाइम फ्रेम क्या हो गया, या तो आप डेली देख लीजिए या वीकली देख लीजिए, और बड़े टाइम फ्रेम के लिए मंथली भी देख सकते हैं। तो मंथली वीकली डेली ऐसे आप देखिए उसको, सबसे पहले देखिए कि मंथली में मार्केट क्या कर रहा है ना, फिर वीकली में मार्केट क्या कर रहा है, और फिर देखिए कि डेली में मार्केट क्या कर रहा है। तो ओवरऑल आपको क्या पता चलेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा पता चलेगा। तो आप क्या कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को जानिए। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड ले रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, हमेशा बेचते 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 जा रहे हैं, नुकसान में आओगे। यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कई बच्चे क्या करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, वहां पर उसको खरीदते नहीं है, डाउन ट्रेंड में हम बेचते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, साइडवेज में फंस जाते हैं, यहां बेचा नुकसान हुआ, फिर वहां बेचा फिर नुकसान हुआ, यहां खरीदा फिर नुकसान हुआ। तो साइडवेज में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। तो आपको बिग टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या कह रहा है पहले वो भी समझना होगा। यदि अप ट्रेंड है तो ऊपर के लिए देखिए, मतलब बाय कीजिए हर सपोर्ट पर, डाउन ट्रेंड है तो बेचिए, साइडवेज ट्रेंड है तो वेट कीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होगा तब आपको कोई भी एक्शन लेना है। दूसरी स्टेप ये कंप्लीट होगी। अब तीसरी आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर आप लेवल लगाएंगे। तो तीसरी स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, लास्ट डे का हाई लो और क्लोज को मार्क करना है, उसकी मार्किंग करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कि मार्केट जो है यहां पर ओपन हुआ और ऐसे नीचे गया, यहां एक लो बनाया और यहां आके खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका हाई हो गया, ये क्या हो गया, उसका लो हो गया, और ये क्या हो गया, उसका क्लोज हो गया। तीन चीजें हो गई, यहां पर मार्केट ओपन हुआ था, यहां पर उसने लो लगाया, और यहां पर उसका क्लोजिंग हुआ। आपको क्या करना है, ये तीन पॉइंट जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके लेवल लगाना है। कैसे लेवल लगाना है, आपको यहां पर एक लाइन लगाना है, ये हो जाएगी रेजिस्टेंस की लाइन, यहां पर एक लाइन लगाना है, ये हो जाएगी सपोर्ट की लाइन, और ये जो है सेंटर का पॉइंट हो गया, है ना। और यहां पर भी आप लाइन लगा सकते हैं यदि ये बीच में है तो, और यदि ये बीच में नहीं है, ये रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग होती है या सपोर्ट के पास क्लोजिंग होती है, तो फिर आपको ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, हाई लो और क्लोज, क्लोज यदि बीच में हो रहा है तो आप बीच में लाइन लगाइए, क्लोज यदि रेजिस्टेंस के पास है मतलब ऊपर के पास है तो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि सपोर्ट के पास है तो भी आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये दो लाइन से काम हो जाएगा। लेकिन यदि क्लोजिंग बीच में कहीं हुई है तो फिर आप लाइन लगा लीजिए। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि आपको तैयारी कैसे करना है। तीसरी स्टेप है ये, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, और नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की पावरफुल और बहुत बढ़िया लर्निंग लेकर आते हैं आपके लिए, नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, हाई लो और क्लोज आपने लगा लिया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। अब आप बहुत कुछ तैयार हो, लेकिन अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आएगी मेन तैयारी कि अब करना क्या है, समझिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि लास्ट डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ तो आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पर देखिए, यदि लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का हाई क्या है, ये जहां पर आपने निशान बना लिया था, तो यदि लास्ट डे की हाई के ऊपर ओपन हुआ तो आप अपने आप से पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ सीखा है कि नहीं स्टॉक मार्केट में, नहीं सीखा है तो सीखिए ना। 1 जुलाई से हमारा गुरुकुल 5th शुरू होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या कर रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 45 दिनों तक आप मेरे साथ रहेंगे, लाइव क्लास होती है, लाइव में पढ़ाता हूं और आपके हर एक डाउट को सॉल्व करता हूं, मजा आता है, मतलब आपके जीवन को बदल देने वाली क्लासेस है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको बिना कुछ सोचे, क्योंकि इससे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कई ज्यादा लॉस कर देते हैं, और फीस देखने के जो हमारी फीस क्या है, 3999 है, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हजार का लॉस कर देते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते।
हम सिंपली आपको समझाते हैं कि हम आपको कोई कॉल टिप नहीं देते हैं, कोई स्टॉक सजेशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ आपको बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें सिखाते हैं, एटलीस्ट आपको यह समझ में आ जाए कि भैया पैसे गंवाना कैसे नहीं है। चलो कमाना नहीं कमाना तो वो तो अलग की बात है, लेकिन आपका यदि गंवाना ही बच गया तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा इसमें। तो आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन पूछा कि यदि लास्ट डे की हाई के ऊपर ओपन हुआ तो आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, यदि लास्ट डे के लो के नीचे ओपन हुआ, ये जो लो था इसके नीचे ओपन हुआ तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, और यदि लास्ट डे के हाई और लो के बीच में ओपन हुआ तो आप क्या करेंगे। ये तीन प्रश्नों के जवाब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मार्केट अभी खुला नहीं है, ये तैयारी चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा मैं क्या नहीं करूंगा, हर चीज की तैयारी हो रही है। तो यहां पर ये चौथी स्टेप में यही है कि यदि लास्ट डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ, मैंने अभी डायग्राम बना के बताया, तो क्या करोगे, यदि लो के नीचे ओपन हुआ तो क्या करोगे, उसकी तैयारी होना चाहिए, और यदि हाई और लो के बीच में ओपन हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, उसके लिए भी फिर आपको तैयारी करना है। कैसे तैयारी करेंगे, आप बोलेंगे कि यदि 15 मिनट की कैंडल आपको देखना है पहले, है ना, पहले 5 मिनट फिर 10 मिनट फिर 5 मिनट फिर 15 मिनट, ठीक है। एक मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं कि एक मिनट की कैंडल क्या कह रही है, फिर 5 मिनट की कैंडल और फिर 15 मिनट की कैंडल। अब मैं यहीं पर एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको सिखाने में मुझे आसानी जाए, ठीक है। इसको एक सेकंड के लिए क्लियर कर देता हूं और यहां पर फिर से समझाता हूं। अब मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हाई है, ये वाला पॉइंट लो है, और यहां पर इस प्रकार से मार्केट है, ये हो गया हाई, ठीक है, ये हो गया हमारा लो, और ये बीच में कहीं है। अब मान लीजिए कि मार्केट खुला, मार्केट ओपन हुआ और यहां हाई के ऊपर ऐसे ओपन हुआ, तो यहां पर दो चीजें कर सकता है, पहले 5 मिनट में और 15 मिनट में यदि हम देखेंगे तो दो चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है कि यहां पर हाई पर ओपन होकर एक ग्रीन कैंडल बनाए, कैसी कैंडल बना सकता है, हाई के ऊपर ओपन होकर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है मार्केट, बिल्कुल बना सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, हाई के ऊपर तो ओपन हुआ लेकिन एक रेड कैंडल बना ली, कैसी कैंडल बना ली, रेड कैंडल बना ली। सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, और या फिर न्यूट्रल कैंडल बनाएगा तो वो भी हरी या लाल बनाएगा। तो सिंपल सी चीज क्या समझ में आई कि हाई के ऊपर ओपन हुआ लेकिन एक ग्रीन कैंडल बना ली, हाई के ऊपर ओपन हुआ लेकिन एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है, दो कंडीशन हमारे सामने आ गई। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, लो के नीचे ओपन हुआ लेकिन एक ग्रीन कैंडल बना ली 5 या 15 मिनट में, ठीक है, और लो के नीचे ओपन हुआ लेकिन एक रेड कैंडल बना ली, ये कंडीशन हो सकती है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर व्यू क्या होगा, यदि हाई के ऊपर ओपन हुआ और एक ग्रीन कैंडल बना ली, मतलब हमारे लिए मार्केट अभी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, रिटेस्ट करके वो वापस से ऊपर जा सकता है, ठीक है, इस बात की संभावना ज्यादा है। यदि हाई के ऊपर ओपन हुआ लेकिन एक रेड कैंडल बना ली तो क्या संभावना है कि यार सेलर ने ऊपर से सेल किया है, शॉर्ट किया है, तो जब तक वो इस लाइन पर सपोर्ट लेकर डब्ल्यू ना बनाए हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। सिंपल सी चीज है, ये बात आपको समझ में आ गई। ग्रीन है तो जितना नीचे है, हमको यदि कोई सपोर्ट दिखता है फिबोनाची से या ट्रेंड लाइन से तो हम वहां पर बाय कर सकते हैं। यदि नीचे यहां पर आता है इस सपोर्ट, ये क्योंकि अब रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब ये सपोर्ट बन गया, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता हम बैरिश तो नहीं होंगे लेकिन एकदम से बुलिश भी नहीं होंगे क्योंकि रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है। यदि यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्सल लेता है तो हम ऊपर का देखेंगे, नीचे का नहीं देखेंगे। नीचे का कब देखेंगे, जब इस वाले रेजिस्टेंस को वापस से नीचे की ओर तोड़ देगा मार्केट। तो सेम कंडीशन नीचे के लिए हो जाएगी, यदि लो के नीचे ओपन हुआ लेकिन ग्रीन कैंडल बना ली तो एकदम से हम बुलिश नहीं होंगे क्योंकि अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, है ना। यहां से यदि हमको ये लेवल टूट के और फिर ऐसा मिलता है तो ही हम ऊपर के लिए सोचेंगे, लेकिन यदि रेड कैंडल बना ली उसने तब हम क्या देखेंगे कि यदि कोई रिटेस्ट होके वापस नीचे जाने की कोई कंडीशन बनती है तब हम जाकर उसके लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अब यदि मार्केट बीच में खुल गया, इन दोनों के बीच में खुल गया तो हम क्या करेंगे, रास्ता देखेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि या तो ये ऊपर वाला लेवल टूटे या नीचे वाला टूटे या फिर यहां पर सपोर्ट ले ले या रेजिस्टेंस ले ले। इस प्रकार से हमारे पास 6 कंडीशन बन सकती है हर दिन, समझिएगा, हर दिन हमारे पास कितनी कंडीशन बन सकती है, 6 कंडीशन बन सकती है, और उन 6 कंडीशंस को हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपके लिए बना दी कि पहला स्टेप क्या है, आप डेटा को स्टडी करें, डेटा में क्या आ जाएगा, डाउ जोन्स का डेटा है, इसके बाद आपका गिफ्ट निफ्टी का डेटा है, इसके बाद FIIDII का डेटा है, इसके बाद दूसरे नंबर पर अपने आपसे पूछिए ट्रेंड कौन सा चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तीसरा अपने आपसे पूछिए कि भैया लास्ट डे का हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, और चौथा अपने आप से पूछिए कि यदि हाई के ऊपर खुला तो क्या करूंगा,
लो के नीचे खुला तो क्या करूंगा, और बीच में हुआ तो क्या करूंगा, और उसके बाद आपको 5, 10 और 15 मिनट की कैंडलस्टिक का पैटर्न का बनने का इंतजार करना है, और उसके बाद मैंने ये 6 कंडीशन आपके लिए बना दी है। आई होप कि ये जो वीडियो है ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाएगा, और यदि ऐसे ही और चेंजेस लाना है तो ये हमारा लास्ट ऑफर अभी लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि अब 1 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3999 ओनली फीस है, हमारा 5th गुरुकुल शुरू हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बड़ा मजा आएगा। 45 दिनों के लिए आप और मैं साथ में रहेंगे हर रात को 1.5 से 2 घंटे, और बहुत सारी चीजें सीखने वाले, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, लाइफ को जीने का जो एक अंदाज है, आपकी हेल्थ को ठीक करने का जो अंदाज है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि क्लास को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।